रही हूँ, हम बना रहे हैं आलू प्याज के पकौड़े पालक के साथ। चलें जी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, ये एक कप मेरे पास बेसन है, 3 से 4 पत्ते मैंने पालक के देखे, उनको अच्छे से धो के बारीक बारीक चॉप कर लिया। एक आलू है जिसको चिप्स की तरह जुलियन कट काट लिया। एक प्याज स्लाइस इसमें काट लिया। 1 टीस्पून अनारदाना अच्छे से धो लीजिएगा। 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून जीरा और 1 पिंच अजवाइन, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून साबुत सूखा धनिया, 1 टीस्पून पिसा हुआ सूखा धनिया, 2 टेबलस्पून हरा धनिया और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसन डाल के इसमें चाट मसाला, कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, पिसा हुआ सूखा धनिया, सुरख मिर्च का पाउडर, जीरा और अजवाइन, पिसा हुआ सूखा धनिया और हरा धनिया डाल देंगे। अच्छे से धोया हुआ हो, साथ ही अनारदाना डाल दूंगी। इसको हम हल्के से पानी के साथ घोल लेंगे। बहुत पतला बैटर नहीं बनाएंगे। ये देखिए, इससे पतला बैटर ना हो इस पे प्याज डाल देंगे। ये पालक जो चॉप की हुई है, मिक्स करके साथ ही इसमें आलू डाल देंगे। दस मिनट के लिए हम इस बैटर को रख देंगे। उतनी देर तक ऑयल गर्म होता है तो फिर हम पकौड़े फ्राई करते हैं। 15 मिनट इस बैटर को रखने के बाद इसमें 2 से 3 टेबलस्पून गर्म ऑयल डालूंगी। अच्छे से मिक्स करके तब हम इसके पकौड़े बना लेंगे। पालक के साथ इनमें बहुत मजे का फ्लेवर आता है। जरा मीडियम फ्लेम पे हम इनको पकाएंगे। एक तरफ से हो जाए लाइट ब्राउन करके हम निकाल लेंगे और मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे ताकि आलू भी कच्चे ना रहें। ये माशाल्लाह से जी पकौड़े हमारे बिल्कुल तैयार हैं। सिंपल से ये पकौड़े हैं पर टेस्ट वाइज बहुत मजे के बनते हैं। अच्छे लगे तो जरूर बताइएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।